प्रसिद्ध गायक हनी सिंह हरिद्वार में। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, आपको पता ही है कि हनी पाजी भगवान एंड स्पिरिचुअल चीज पर अब कितना ज्यादा भरोसा करने लगे हैं। ये सब चीज के बारे में आपने हनी पाजी के पॉडकास्ट में कभी ना कभी तो सुना ही होगा। तो हनी पाजी के तरफ से हमें ये दोनों चीज आज देखने को मिल गया। हनी पाजी कल ही दुबई से इंडिया वापस लौट चुके थे। उनके तरफ से हमें एक ऐसा स्टोरी भी देखने को मिला था जिसमें वो लिखते हैं, दिल्ली फॉर अ नाइट, फर्स्ट स्टॉप करमपुरा माई बर्थ प्लेस। ग्लोरी एल्बम के ह्यूज सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए हनी पाजी हरिद्वार जाके भगवान शिव का पूजा अर्चना किए। उसके बाद हनी पाजी स्पिरिचुअल गुरु कैलाश जी से भी मिले। कुछ वीडियो क्लिप्स निकल कर आई है, चेक कर लो। इस पोस्ट से कुछ लोगों की जलने वाली है। हनी पाजी ने फाइनली अपना एक प्राइवेट जेट खरीद लिए हैं। इस पोस्ट के नीचे जब आप उसका कैप्शन खोल के चेक करोगे तो हनी पाजी लिखते हैं, लेट्स फ्लाई #glory#private। खैर, मिहिर गुलाटी की तरफ से हमें एक लंबा चौड़ा पोस्ट देखने को मिला है जिसमें वह कुछ रिएक्शन चैनल पर बहुत ज्यादा गुस्सा है। उनका कहना है कि जिनको म्यूजिक का ज्ञान नहीं है वह भी ग्लोरी जैसे एल्बम पर अपना ज्ञान दे रहे हैं। ग्लोरी एल्बम का एक एक सॉन्ग नेक्स्ट लेवल का है और ऐसा ट्रैक हर कोई नहीं बना सकता। मजनू और बेवा जैसे सॉन्ग भारत में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है। दूसरे आर्टिस्ट को एक्सपेरिमेंट करना उसके बस की बात नहीं, पूरा एक्सप्लेन करना फिलहाल मेरे बस की बात नहीं है, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके पूरा पढ़ लो। खैर, बादशाह जो ललन टॉप के पॉडकास्ट पर एक शायरी शायराना करके आया था उसका जवाब हनी पाजी ने ऑलरेडी दे दिए थे, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली अल्फाज पाजी ने बादशाह भाई को सभी के सामने नंगा कर दिया। वह क्या लिखते हैं, चेक दिस पोस्ट। तो गाइस, यहां तक आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।